फोर के ऊपर ऐसे में जो स्विच है वो लेंगे, बट यूएमपी के साथ क्या पिक्स निकालने में जो सक्षम है वो यहाँ पर हो पाते हैं नहीं। बट फिलहाल पिकार्डो एक पूरी तरीके से जो हॉट ड्रॉप में है, जो यहाँ पर युद्ध भूमि में यहाँ पर बात कर ली जाए, जो है पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है यूएमपी के साथ। ट्राई करा जा रहा है कि कुछ पिक्स निकाल पाए, ऐसे में टीम सोल के प्लेयर्स भी काफी ज्यादा इनक्लोजर कर रहे हैं। एक थर्ड पार्टी की जो संभावनाएं हैं टीम सोल के लिए बहुत ज्यादा आसानी से यहाँ पर जो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। सोल के लिए अभी एक फिनिश पॉइंट जरूर है, मैन एडवांटेज जरूर, बट जी नहीं अभी एक फिनिश पॉइंट नहीं, अब ये रहेगा दो फिनिश पॉइंट। प्लेयर जीरो टू ने एक और फिनिश पॉइंट, जी नहीं प्लेयर जीरो सेवन ने एक और फिनिश पॉइंट निकाला है। एक नया प्लेयर एक अलग ही अंदाज में हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है। रशर दो फिनिश पॉइंट उतरते के साथ अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई है। एंड पिकार्डो में शायद जिस लिए टीम सोल उतरती है, जिस कॉन्क्रेशन के इरादे से उतरती है, वो कॉन्क्रेशन हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ दे आर क्लोजिंग विद दैट थॉमसन इन हिज हैंड, एफपीवी पे स्विच कर लिया है, पूरी तरह से तैयार आ रहे हैं। प्लेयर टू की बात होगा, थॉमसन से एक और पिक निकालता नजर आ रहा है, बट ऑन द अदर साइड दो प्लेयर्स पिक को पिक ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा। रिवाइवल की प्रतिक्रिया इंस्टेंटली स्टार्ट होगी, एंड क्या टीम सोल के ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप होगा या फिर सामने वाली टीम को एक मौका मिलेगा, क्योंकि टीम नंबर 13 के एक आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं जस्ट ऑन दैट 10 एचपी। तो पिकार्डो आई एम प्रीटी मच श्योर टीम सोल से यहां पे कोई छीन नहीं सकता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो अभी थोड़ी सी बात की बात है, पर टीम ईएससी के प्लेयर्स भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो फाइट्स में कमिटमेंट है वो दिखाना जानते हैं। इतनी आसानी से जो हार है वो मानेंगे नहीं, अगर आप शेर है तो वो शवा शेर है। बट फिलहाल अभी के लिए मैक्सी अपनी एकेएम के साथ थोड़ा सा क्लोज जाएंगे, अपने प्लेयर्स को पहले यहाँ पर रिवाइवल देना चाहेंगे। रिवाइवल इज समथिंग दैट्स द टीम नंबर 13 टीम ईएसडी इज एमिंग फॉर, बट रेवेनेंट टॉप डॉग ऑन टू द अनदर रैंक टीम डोमिनेटर के प्लेयर्स को जो पिक्सी जो रिवाइवल है वो दे रहे हैं, और पिकार्डो वापस से जो फाइट्स अब इंगेज हो रही टीम ईएसजी के प्लेयर्स ने जरूर इन द इनिशियल फेज ऑफ द मैचेस में ही अपने दो प्लेयर्स का जो रीन है वो एक बार वापस से दिखा दें, जिससे कि हमारे टॉप मोस्ट व्यूअर्स जो हैं आज की स्ट्रीम पर जो है ज्वाइन कर चुके हैं उनके साथ उनको भी मालूम चल जाए कि किस तरीके से यहां पर जो है वॉरक्राफ्ट उन राइजिंग स्टार्स के लिए कुछ अंडरडॉग्स के लिए अगेंस्ट यहां पर जो है प्रिपरेशन कर रहा है। तभी जाके मुझे लग रहा है जो लाइक शर्ट्स ऑफ तरफ टीम सोल प्लेयर वन के प्लेयर्स ने पहला पिक एक बार वापस से जो अपनी टीम के लिए निकाला है, और ये लीजिए इस बार ईएसजी काई वाईटी को कर दिया जाएगा टेक डाउन। और अब क्या यहां पर टीम सोल के प्लेयर्स एक साथ ऑल इन अटैक स्ट्रेटजी के साथ रशिंग करते हुए नजर आ सकते हैं? वेल इफ वी टॉक अबाउट एक चीज अगर हम देखें रशर यहाँ पे, तो टीम सोल ने एक ओपनिंग पिक जरूर निकाला है, एंड कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है अब जरूर बनता है, क्योंकि ये जानते हैं एक सोलो प्लेयर एक लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग रहेगा इनके सामने। प्लेयर जीरो टू क्लोज इन जरूर कर रहे हैं उस थॉमसन के साथ, अनलेस ये थॉमसन कितना ज्यादा कमाल दिखा पाएगा 50 बुलेट्स इनके हाथों में जरूर से नजर आ रहे हैं, क्या वो कमाल करके दिखा पाएंगे। पोजिशन अब रिवील हो गई है, ये स्टेयर केस के ऊपर रहेंगे, डायगोनल एंगल प्लेयर कुछ प्रीफर के सिलसिले जरूर आ रहे हैं, वो आपस पे रिलोड पाएंगे थॉमसन एक और प्लेयर कॉपी का फॉरगेट ओनली प्लेयर स्टैंडिंग फॉर टीम सोल टू इसको ये 1v1 सिनेरियो Let's see, will you be able to clutch it out? There you go. एक शानदार फिनिश पॉइंट के खाते में आता हुआ नजर आ रहा है, एंड टोटल 4 फिनिश पॉइंट टीम